एवरीवन वेलकम टू माय चैनल विशेष इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। गाइस, जब आप किसी को इंग्लिश में बोलते हुए देखते हो तो आपका भी मन करता होगा कि काश मैं ऐसे इंग्लिश बोल पाता या बोल पाती। बट क्या रीजन है कि आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो? क्या आप गलतियां ऐसी करते हो जिससे आप इंग्लिश नहीं बोल पाते? आप इंग्लिश लिख लेते हो, पढ़ लेते हो और उसको समझ भी लेते हो, बट जब बोलने की बारी आती है, लोगों के साथ जीडी की बारी आती है, ग्रुप डिस्कशन, तो आप नहीं कर पाते। क्या ऐसी चीज़ होती है कि आप हेजिटेट होते हो, क्यों नहीं बोल पाते? मैं सब कुछ शेयर करूंगी इस वीडियो में और मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली वन डे यू विल स्पीक वेरी वेल इन इंग्लिश। बट उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर आप इंग्लिश लिख लेते हो, आप इंग्लिश पढ़ लेते हो और जो भी आप इंग्लिश में वेब सीरीज स्टोरीज देखते हो उसको अच्छे से समझ लेते हो तो बोल क्यों नहीं पाते? दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट, लैक ऑफ स्पीकिंग। आप बोलते नहीं हो, आप सोचते हो कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं बोलूँगा, बट जब बोलने की बारी आती है तो हेजिटेट होते हो। तो इसके पीछे मेन रीज़न यही होता है कि जो भी आप बोलो, जो भी आप लिखो, जो भी आप देखो इंग्लिश में, उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। उस सेंटेंस, उस वर्ड को कहीं ना कहीं अपने डेली रूटीन लाइफ में उसका यूज करो, कन्वर्सेशन में उसका यूज करो, तभी आप इंग्लिश बोल पाओगे। कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब आप बोलना स्टार्ट करोगे। आप सोचो कि मैं एक दिन में सब इंग्लिश सीख जाऊंगा और बोलने लगूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज़ इम्पॉसिबल। 3 मंथ्स में 6 मंथ्स में कोई इंग्लिश नहीं बोलने लगता है। तो अगर कोई कहता है कि 3 मंथ्स में और 6 मंथ्स में तुम इंग्लिश एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोलोगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। जब तक आप बोलने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक इंग्लिश बोलना पॉसिबल नहीं है। तो इसके पीछे क्या रीज़न निकला कि आप लिख लेते हो, पढ़ लेते हो, देखते हो, उसको समझ जाते हो इंग्लिश में कि क्या स्टोरीज़ में बोला जा रहा है, वेब सीरीज़ में क्या बोला जा रहा है? तो लैक ऑफ स्पीकिंग, दिस इज़ द मेन रीज़न। यही मेन रीज़न है जो इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो आज से ही आप बोलने की प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप डिस्कशन करिए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपकी जो स्पीकिंग इंग्लिश है, बोलने की जो इंग्लिश होती है, स्पोकन इंग्लिश, वो आपकी इम्प्रूव हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। कीप प्रैक्टिसिंग, स्पीक इन इंग्लिश। बाय बाय।